यस बच्चों, करें स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी आज का चैप्टर। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले तो बच्चों, अभी हम लास्ट चैप्टर कौन सा करके हटे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या किया था हमने, व्हाट इज कैपेसिटर? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, जो अपने अंदर चार्ज डिस्टोर करके रखता है, यानी अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब बच्चों, कैपेसिटर ने अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख लिया, अब उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है। जब हम चार्ज को स्टोर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? यहां पर बच्चों मैंने बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर किया है, मुझे यहां से इस चार्ज को यहां तक लेकर जाना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एक वायर की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू मैं ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाऊंगा। जब ये चार्ज किसी मीडियम में, किसी वायर में फ्लो करता है, उसको बोलते हैं बच्चों करंट। तो राइट डाउन करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बच्चों करंट। अब करंट कैसे फ्लो करता है वो आपको पता है बच्चों। करंट के लिए क्या होता है, एक हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी की वजह से चार्ज को फोर्स मिलती है, बैटरी की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, बैटरी की वजह से एक पुश मिलता है चार्ज को, जिससे चार्ज एक जगह से, मान लो यहां पर चार्ज स्टोर है, उसने यहां तक पहुंचना है, यहां से उसने यहां तक पहुंचना है, तो बैटरी ने क्या करना है, एक पुश क्रिएट करना है, जिसकी वजह से ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। और अगर बच्चों ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? कोई बता सकता है मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? यस बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मूव करने को, यानी फ्लो करने को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अब बच्चों, जब ये चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इसके अंदर एक, मान लो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, कौन ज्यादा फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा या प्रोटॉन ज्यादा फ्लो करेगा? मोशन यानी स्पीड किसकी ज्यादा होगी फ्लो करने की? बच्चों तुम्हें पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? यस बच्चों, 1.67 × 10⁻²⁷ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? यस बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁶ kg। मुझे आप ये बताओ किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है या प्रोटॉन का मास कम है? यस स्टूडेंट, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया करो। इलेक्ट्रॉन का मास कम है या प्रोटॉन का मास कम है? यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इलेक्ट्रॉन −31 है, प्रोटॉन −27 है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है प्रोटॉन से? इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 10,000 गुना छोटा होता है प्रोटॉन के मास से। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, प्रोटॉन का फ्लो ऑफ मोशन जो है वो कम होगा। तो बच्चों, जब भी हम सर्किट के अंदर करंट की बात करते हैं, तो वो करंट जो हम कंसीडर करते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट होता है, ये हम मान के चलते हैं। तो हम हमेशा जब भी करंट की बात करेंगे,
तो हम किसकी बात करेंगे बच्चों, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ही बात करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात क्यों करते हैं। हालांकि जो वायर होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से भी करंट होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से भी करंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो प्रोटॉन के फ्लो से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए हम मान के चलते हैं जो सर्किट में करंट ज्यादातर होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ही होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी, अब इधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और यहां से ये बैटरी है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, करंट की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है। यस बच्चों, यहां तक आप याद कर लोगे, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज, यस डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट जो होती है बच्चों वो करंट की डायरेक्शन होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस करंट को बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं इसका नाम, दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, ये भी लिख लेना, दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। बच्चों आगे चले, अगर आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई सभी को, यहां तक अगर आपको बातें क्लियर होगी तो आगे चले। आवाज आ रही है ना सभी को, आज रिस्पॉन्स बड़ा कम आ रहा है। हां जी बच्चों। यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे चल रहे हैं, इसके बाद हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो करंट की यूनिट क्या होंगी। यस बच्चों, करंट की यूनिट क्या होगी आपको सब, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं बात करूं बच्चों, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलम, टाइम की यूनिट होती है बच्चों सेकेंड। तो वन एम्पियर क्या हो गया, वन कूलम चार्ज अपॉन वन सेकेंड। यस बच्चों, पेपर में डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफाइन वन एम्पियर करंट। वन एम्पियर करंट क्या होता है, अगर वन कूलम चार्ज वन सेकेंड के अंदर ट्रेवल करता है तो उसे, उस करंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वन एम्पियर करंट बोलते हैं। लिख लो, ये पेपर में वन मार्क की डेफिनेशन आती है बच्चों। राइट डाउन, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेट टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज, इफ वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन वन सेकेंड। इसको बच्चों डेफिनेशन को लिख लो, ये वन मार्क की पेपर में आ सकती है आपके। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी वन एम्पियर इफ वन कूलम चार्ज
फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकेंड के अंदर वन कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है तो इस करंट को बोला जाता है बच्चों वन एम्पियर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें। यस बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके, आगे लिखो बच्चों, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। राइट डाउन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो बच्चों करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? अगर इस वायर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर से 2 एम्पियर करंट हो रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा? 7 एम्पियर। आप इसमें वेक्टर इन्वॉल्व नहीं करोगे वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करंट। सिंपली आप इसको अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, दैट इज व्हाई वी कैन से करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों करंट का फॉर्मूला मेरे पास था चार्ज अपॉन टाइम, बट यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एन ई अपॉन टी। चार्ज की वैल्यू होती है एन ई अपॉन टी। एन किसके इक्वल हो जाएगा? आई इंटू टी अपॉन ई। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ वन एम्पियर। अगर एक वायर वन एम्पियर करंट कैरी करती है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये आप लोगों ने बच्चों बताना है। यस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आई इंटू टी अपॉन ई। करंट कितना है बच्चों? यस, करंट कितना है? वन एम्पियर। टाइम कितना है बच्चों? वन सेकेंड। चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? अरे वेरी गुड, 1.6 × 10⁻¹⁹. तो इट कम्स आउट टू बी 6.25 × 10⁻¹⁸. बच्चों अगर वन एम्पियर करंट वायर में फ्लो करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, वन एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल करेंगे? 6.25 × 10⁻¹⁸. लिख लो बच्चों इसको। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसको रब कर रहा हूं मैं। बच्चों अब मेरी बात सुनो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला सभी को पता लग गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो बच्चों तुम्हें पता है अगर ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, तुम्हें पता है बच्चों वन अपॉन टाइम किसका उलट होता है? फ्रीक्वेंसी का। आपको अगर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला नोट कर लो। एक और बच्चों, अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं प्रोटॉन भी चल रहे हैं,
यानी पॉजिटिव चार्ज भी चल रहा है नेगेटिव चार्ज भी चल रहा है, तो करंट किसकी वजह से होगा? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। अभी तक मैं चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें पता है प्रोटॉन की वजह से भी करंट होता है, तो मैं यह चार्ज की जगह बच्चों क्या कुछ लिख सकता हूं, एन ई ए, ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। एन पी, ये किसके लिए बच्चों? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन पर चार्ज भी ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी ई होता है अपॉन टी। तो करंट का फॉर्मूला बच्चों ये बन जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, चले आगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। लो बच्चों आगे लिखो, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, करंट के क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहले टाइप लिखो करंट की। टाइप बच्चों, टाइप्स ऑफ करंट में सबसे पहला करंट लिखो स्टेडी करंट। राइट डाउन स्टेडी करंट। स्टडी करंट का मतलब इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट करंट आल्सो। दिस इज कॉल्ड आल्सो डायरेक्ट करंट। एक वायर है बच्चों, वायर में जो करंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो इस करंट को कौन सा करंट बोलते हैं? स्टडी करंट। जो चार्ज है बच्चों वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है बच्चों चार्ज की कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टडी करंट। वेरिंग करंट, दूसरा करंट लिखो बच्चों, वेरिंग करंट। वेरिंग करंट क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपको ये करंट कह दूं, इस करंट के अंदर देखो ये ऐसे कोई करंट है, ये कर्व है, इसको बोलते हैं वेरिंग करंट। इसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। डायरेक्शन का मतलब ये है, यहां पर देखो ये ऊपर एक्स एक्सिस के जो ऊपर होता है करंट हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो हर पॉइंट पे करंट बच्चों पॉजिटिव ही है। तीसरा करंट होता है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट। राइट डाउन, तीसरा करंट होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज, दोनों ही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज करते हैं इसके अंदर। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चल रहे हैं। हां जी बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको आगे सिलेबस करवाया करूंगा, सेकंड के अंदर जो आपके डाउट्स हैं एससी वर्मा डिस्कशन है वो मैं आपसे किया करूंगा, प्रॉब्लम्स डिस्कशंस, कोई भी आपकी डाउट्स वगैरह, कोई भी एससी वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो मैं सेकंड लेक्चर में ही किया करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू ऐसे ही सिलेबस चलाएंगे। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। आगे लिखो चार्ज कैरियर। राइट डाउन चार्ज कैरियर। बच्चों चार्ज कैरियर क्या होते हैं? यस, चार्ज कैरियर क्या होते हैं?
लिखो चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स आर द पार्टिकल्स विच कैरीज चार्ज एंड मूव ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कैरियर आर द पार्टिकल विच कैरीज चार्ज एंड मूव ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट जब होता है उसमें जो पार्टिकल मूव करते हैं बच्चों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। सबसे पहला लिखो चार्ज कैरियर इन सॉलिड और मेटल्स। सॉलिड्स और मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं? लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं? कैटायंस एंड एनायंस। तीसरा पॉइंट लिखो यस बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखो चार्ज कैरियर इन गैसेस। गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? यस कोई बताएगा गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर द चार्ज कैरियर इन गैसेस। यस बच्चों, अब मैं आगे बात करता हूं करंट क्या होता था। अगेन मुझे बताओ क्या होता था करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों जब भी बात रेट की करते हैं, आपको पता है जब भी बात रेट की करते हैं तो करंट दो तरह का होता है, रेट दो तरह का होता है। कौन कौन सा रेट होता है कोई बताएगा? जब भी बात रेट की करेंगे बच्चों, रेट दो तरह का होगा। यस बच्चों, कौन कौन सा होगा? एक तो होगा एवरेज रेट और एक होगा बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। यानी एक बच्चों करंट होगा एवरेज करंट और एक करंट होगा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है बच्चों, एवरेज करंट में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। इसको लिख सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। जब भी हमें इंस्टेंटेनियस करंट किसी एक टाइम पर, एट पर्टिकुलर टाइम पर करंट की बात करेगा तो हम इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करेंगे। जब बच्चे हमें टाइम ड्यूरेशन दे देगा, हमें कह देगा 2 सेकंड टू 4 सेकंड तक करंट पता करो, तो वो कौन सा करंट होगा बच्चों? एवरेज करंट। अगर ये कह दिया कि करंट पता करो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो वो कौन सा करंट होगा बच्चों? वो होगा इंस्टेंटेनियस करंट। किसी को यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बच्चों हम आगे चल रहे हैं। यस बच्चों आगे चलें। हां जी बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों आगे चल रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चों अब मेरे पास यहां पर चार्ज गिवन है क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t+1। तो हमने पता करना है एवरेज करंट फ्रॉम टी 1 सेकंड से लेकर टी 3 सेकंड तक।
दूसरा बच्चों अगर मैं बात करूं, हमने पता करना है इंस्टेंटेनियस करंट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आप बच्चों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो सभी। एक हमने एवरेज करंट पता करना है और एक हमने कौन सा करंट पता करना है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। बच्चों अगर मैं एवरेज करंट की बात करूंगा तो मुझे बताएगा कोई एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू फाइनल क्यू इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टोटल कितना टाइम लगा, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यस बच्चों यहां तक ठीक है, आपको समझ आ गया इतना फॉर्मूला? यस बच्चों, लिख लो फटाफट। अब बच्चों मेरी कर भी लिया, ओके। अब बच्चों मेरी बात सुनो, हमने पहले तो इनिशियल चार्ज पता करना है। चार्ज इनिशियल, इनिशियल टाइम कितना था बच्चों, 1 सेकेंड। अगर मैंने इनिशियल चार्ज पता करना है तो इनिशियल टाइम की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। तो यहां पर चार टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर लो, 1 स्क्वायर 2 × 1 + 1, तो कितना आ गया बच्चों, ये 2 + 1, ये आ गया 4, 3, 4 आ गया। फाइनल चार्ज कितना आएगा बच्चों, टाइम कितना है फाइनल, 3 सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर + 2 × 3 + 1 कितना आ गया, 9, 6, 1, तो ये कितना आ गया, 16। फाइनल चार्ज भी पता लग गया, इनिशियल चार्ज भी पता लग गया, तो बच्चों एवरेज करंट कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। फाइनल टाइम कितना है 3, इनिशियल टाइम कितना है 1, 12/2, तो ये आ गया 6 एम्पियर। बच्चों 6 एम्पियर करंट आ गया हमारे पास। इसको मैं रब कर रहा हूं, हाँ जी बच्चों आगे पर अगला पार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है, कोई बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट कैसे करना है? इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट अगर करना है तो क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, t² + 2t + 1, सभी को ये डिफरेंशिएशन आती होगी, तो ये करंट कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 2t, और 2t का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 2, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। टाइम किस पर पता करना है हमने, इंस्टेंटेनियस करंट टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3, 2 × 3 + 2, 6 + 2, 8 एम्पियर इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। यस बच्चों यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अगला पार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें सॉल्व। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रब कर रहा हूं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू इज इक्वल टू t³ t² + 1, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t₀ से लेकर t₃ सेकेंड, दूसरा आई इंस्टेंटेनियस पता करना है, इंस्टेंटेनियस कब पता करना है, t = 2 सेकेंड पर। हाँ जी बच्चों करो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से, कर लिया। गलत है,
हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? आई एवरेज पता करना है। आई एवरेज कैसे पता करते हैं? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। बच्चों क्यू इनिशियल कब पता करना है? जब टाइम की वैल्यू कितनी है? जीरो। जब टाइम की वैल्यू जीरो है तो क्यू इनिशियल, इसमें टी जीरो, टी जीरो तो ये कितना आ गया? वन। क्यू फाइनल कितना आएगा बच्चों? जब टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है इक्वेशन में? थ्री। थ्री की क्यूब, थ्री की पावर टू, वन। ये कितना आ गया? 27 प्लस 9 प्लस 1 तो ये आ गया 37। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों? 37 माइनस 1 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना आ जाएगा? 3 माइनस 0, 36 बाय 3 तो ये आ गया 12 एम्पियर। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक आप बता सकते हो, अदरवाइज बच्चों हम आगे करते हैं। आई इंस्टेंटेनियस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का 2t। तो आई इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा? टी की वैल्यू 2 सेकंड पे पता करना है, 3 टी की पावर 2, 2 इंटू 2 तो 3 4 4 12 4 16 16 आ गया। ना ना बाय 2 क्यों आएगा इसमें? 16 आ गया बच्चों, 16 एम्पियर। लिख लो इसको फटाफट। बच्चों अभी तक हमें क्वेश्चन में चार्ज गिवन था और हमने करंट कैलकुलेट किया। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अभी तक हमने चार्ज से क्या पता किया? करंट। अब हम उल्टा करेंगे, करंट पता होगा तो हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। हाँ दिवेश बच्चे बोल, कोई डाउट है? ओके बच्चों, अभी तक हमने चार्ज से करंट पता किया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यस, करंट से चार्ज निकालेंगे, उल्टा काम करेंगे। बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, सभी को पता है। यस, तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आई इंटू डी टी हो जाएगा। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। यहां पर क्यू इनिशियल, यहां लिख लो क्यू फाइनल, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू आई डी टी, ये लिख लो बच्चों। हां जी, अगर हमने चार्ज पता करना है तो जो करंट दिया होगा उसकी इंटीग्रेशन कर दो, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट चार्ज फ्लो इन अ वायर। क्लियर हो गया बच्चों फॉर्मूला? तो मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ आई इज इक्वल टू 2t+1 फाइंड क्यू फ्लोज। कौन? 12 बजे का था, अभी बैठ के पढ़ लो। फाइंड क्यू फ्लोज इन 3 सेकेंड एट टी जीरो, क्यू इज जीरो। टी जीरो पर क्यू हमें जीरो दिया हुआ है, टी जीरो पर क्यू जीरो दिया हुआ है। यस बच्चों, करंट हमें गिवन है, इनिशियल चार्ज गिवन है, टी जीरो पर क्यू जीरो, फाइनल चार्ज पता करना है 3 सेकेंड पे। फॉर्मूला क्या होता था? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल आई डी टी का होल इंटीग्रेशन। इनिशियल चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों? जीरो। फाइनल चार्ज मुझे पता करना है, करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 2t+1 इंटू डी टी। अब टाइम जो है बच्चों वो कितना लग रहा है? डी टी है तो इंटीग्रेशन में यहां टाइम की लिमिट होगी, जीरो से लेकर टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड।
तो Q इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन आपको सभी को आती है, 2t प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? यस, एनी स्टूडेंट, किसी को याद हो इंटीग्रेशन कैसे करते थे? इसको पहले तो अलग अलग कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, 2t की पावर 2/2 लिमिट 0 से लेकर 3 तक, 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? t लिमिट 0 से 3 तक। 2 से 2 कट गया तो ये 3 की पावर 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 ये 9 प्लस 3, तो ये आ गया 12 कूलम। दिस इज योर आंसर। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसको रब कर रहा हूं मैं। अब बच्चों क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इज इक्वल टू आई डी टी होता था, इसको एरिया ऑफ आई टी कर्व भी बोलते थे। अगर बच्चों मुझे आई टी कर्व का एरिया गिवन है, देन व्हाट वी कैन कैलकुलेट? करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 2 सेकेंड। फाइंड क्यू इफ टी इज इक्वल टू 0 पर चार्ज 0। यस बच्चों, कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे इस क्वेश्चन को? क्यू फाइनल पता करना है, क्यू इनिशियल कितना दिया हुआ है 0, एरिया ऑफ आई टी कर्व इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 × 2 यानी 4, तो क्यू कितना आ गया बच्चों? 4 कूलम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बच्चों यहां तक आप नोट कर लो फटाफट। अगले लेक्चर में SC वर्मा के क्वेश्चंस डाउट डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में SC वर्मा के क्वेश्चंस डाउट डिस्कस करेंगे। करंट को कल आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ की मैं आपको DPP भेज देता हूं, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।